नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संदेश गर्ग और आप हमारे YouTube चैनल अपस्केल अकेडमी ऑफिशियल पर द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सीरीज देख रहे हैं। आज है 7 सितंबर 2023 और कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपके लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। लास्ट तक वीडियो को मत देखिए, अच्छा लगने पर ही कंटिन्यू करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आज के इस आर्टिकल में अगस्त के अंदर रेनफॉल डेफिसिट की बात हुई है। थोड़े फैक्ट्स ज़्यादा हैं बट उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। राइटर कह रहे हैं कि इस बार भारत के 150 बड़े रिजर्वायर्स में अपने नॉर्मल लेवल से 10% पानी कम है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो रिजर्वायर्स हैं वो सब बताए गए हैं और उनके वाटर लेवल्स का जो डेटा है वो इस मैप के अंदर शो किया है चार्ट बार ग्राफ के थ्रू। नीचे आर्टिकल लिखा हुआ, आर्टिकल का डेटा, आर्टिकल का कंटेंट है, उसमें बताया गया है कि 150 बड़े रिजर्वायर्स जो भारत के अंदर हैं उसमें से अपने नॉर्मल लेवल से 10% पानी कम है और इन इनमें भी सबसे ज़्यादा कमी जो आई है वो है सदर्न स्टेट्स के 42 बड़े रिजर्वायर्स में। भारत के अंदर 4 महीने साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है, आप सभी को पता है, जो कि रेनफॉल का, जो हमारी एनुअल रेनफॉल है उसका 75% पानी होता है। अगस्त का महीना जुलाई के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा बारिश वाला महीना होता है, बट अगस्त 2023 पिछले 120 साल के रिकॉर्ड्स में अब तक का सबसे ड्राइएस्ट अगस्त है। दोस्तों, ये काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ है कि अब तक 120 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अगस्त के अंदर सबसे कम बारिश हुई है। जहां अगस्त में 255 mm की बारिश होती है, वहीं इस बार हमें सिर्फ 162 mm की भारी वर्षा के साथ संतुष्ट होना पड़ रहा है, जो कि टोटल से 36% कम है। और तो और, रिजर्वायर्स में पानी की कमी से इरिगेशन की जो पावर डिमांड्स है इरिगेशन के लिए वो बहुत हाई हो चुकी हैं और उसको पूरा करने के लिए कोल फायर्ड पावर प्लांट्स का यूज़ करना पड़ रहा है, उससे पावर जनरेशन करना पड़ रहा है, और कोल ज़्यादा जलाने से क्लाइमेट चेंज के कान खड़े हो रहे हैं। और अब तो बस यही उम्मीद है, और IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का प्रेडिक्शन भी है कि सितंबर में अच्छी बारिश होगी और इससे सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। हालांकि इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन में अलिनो अपने पैर पसारे हुए बैठा है। देखते हैं अब अगले एपिसोड में क्या होता है, तब तक के लिए धन्यवाद।